ऑल राइट, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की एक और इलस्ट्रेशन या कह लो केस स्टडी, क्योर लिमिटेड। हम क्योर लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं। क्योर लिमिटेड इज अ लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, इज कंसिडरिंग स्टार्टिंग इट्स ऑपरेशन इन मेलन, वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। इट हैज कंडक्टेड एनवायरमेंटल स्कैन एंड समराइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेवलपिंग कंट्री सबसे पहली बार डेवलप्ड नहीं है, ये मेलन में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। खुद क्या है, एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयों की कंपनी है। मांगा क्या जा रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ कंपनी में कैपिटलाइज ऑन एनी टू अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ एनी टू एग्जिस्टिंग थ्रेट्स में इम्पैक्ट सीएल। जो थ्रेट्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उन्हें कैसे कैपिटलाइज किया जा सकता है, यह बिल्कुल बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब आओ केस स्टडी पढ़ते हैं। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन मेलन इज रेगुलेटेड थ्रू ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हर जगह ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, ड्रैप कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर इसको, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ड्रैप कहा जाता है बिल्कुल। ये सर्वर ने बिल्कुल शिद्दत से चैट पे फॉरन ड्रैप लिख दिया। इसने कहा सर मैंने ऑडिट किया हुआ है, आपको पता नहीं है, मैं ड्रैप के बारे में सब जानता हूँ, आपने जो ये एब्रीवेशन दी है मुझे इसके बारे में पता है, फॉरन इसने लिखा चैट पे। चले अच्छी बात है, शेयरिंग इज केयरिंग। The pharmaceutical industry in Malin is regulated through drug regulatory framework. The overall health environment is not conducive. Despite of increasing rate of inflation and declining consumer disposable income, demand for pharmaceutical products has been increasing considerably. दो तीन बातें यहाँ पे नोट करना। एक, despite of increasing rate of inflation, एक यहाँ पे इन्होंने कहा increasing rate of inflation है। दूसरा इन्होंने कहा इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन के साथ डिक्लाइनिंग कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम, डिक्लाइनिंग कंज्यूमर इनकम डिस्पोजेबल इनकम। ये दोनों चीजें कम होने के बावजूद, सॉरी, एक तो कंज्यूमर इनकम डिक्लाइन होने के और इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैज बीन इंक्रीजिंग, डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैज बीन इंक्रीजिंग कंसिडरेबली। Demand for the pharmaceutical industry is increasing. ठीक है, डिमांड यहां पर जो है भारत इंक्रीज कर रही है, बिकॉज हेल्थ एनवायरमेंट इनका इतना ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है। वाई? हेल्थ एनवायरमेंट इज नॉट दैट कंड्यूसिव। ठीक है जी, वो इतना ज्यादा कंड्यूसिव हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, ओवर 25% ऑफ पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल हु आर मोर प्रोन टू हेल्थ इश्यूज। हाउएवर इंटरेस्ट इन हेल्दी स्टाइल लाइफ स्टाइल इज गेटिंग पॉपुलर अमंग यूथ। ये बात की इसने जरा पते की कि भाई यूथ में फिर भी काफी हद तक हेल्दी स्टाइल जो है वो बढ़ रहा है। ज्यादातर बच्चे और ओल्ड एज पीपल हैं जो प्रोन टू हेल्थ इश्यूज हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए तो बहरहाल ये अच्छा ही होता है, अगर आप बीमार होंगे तो इनके लिए जो है वो बड़ा फायदा है। अब आजकल जिस तरह की बीमारियों के बारे में हम सुनते हैं, अगर आप आज से कोई 100 साल पहले आदमी को बताएंगे अगर इस तरह की कोई बीमारी होती है, वो कहेगा भाई ये क्या बात कर रहे हो। मतलब मैं एक आर्टिकल के अंदर पढ़ रहा था कि एवरेज हमारा स्टूडेंट आज पढ़ाई की जितनी टेंशन लेता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है, अभी नहीं लेगा बाद में लेगा। बाद स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटर के पेपर से रोने लग जाते हैं, बाज होते हैं उनको कैफ में भी अकल नहीं आती, वो फाइनल में जाके जो है वो सोचते समझते हैं कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहरहाल बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस आता जरूर है, पढ़ाई के हवाले से किसी ना किसी पे जरूर आता है, अनलेस कि उनको कोई और लाइन नजर आ रही हो कि यार हमने पढ़ना ही नहीं, हमने ये काम करना, वो फिर उस काम में कहीं ना कहीं उनके ऊपर स्ट्रेस आता है। तो उस आर्टिकल में पढ़ रहा था कि यार हर किसी ने स्ट्रेस को बहरहाल बर्दाश्त करना है। आज से 60-70 साल पहले अगर इतना स्ट्रेस कोई लेता था ना जितना आज एक एवरेज स्टूडेंट लेता है, तो उसको पागल डिक्लेयर कर दिया जाता था कि भाई ये ज़हनी मरीज है, ही नीड्स ट्रीटमेंट। तो लोग उसका ख्याल करते थे, पड़ोसी चीजें भिजवाते थे और जो है वो उसको बड़ा एक रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता था। उस वक्त का जो पता नहीं वो क्या उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया था, वो जैसे नहीं वो राजा होते हैं जो गांव वगैरह के जो राजा होते हैं उनको बताया, जो जो उस वक्त के लॉर्ड्स हुआ करते थे उनको बताया जाता था कि यार फलां शख्स इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ गया है, तो वो उनको बुलाते थे और वो जो म्यूजिक वगैरह की
गैदरिंग्स की जाती थी कि यार ये बंदा जो है वो मेंटली ठीक हो जाए। तो आज इतना एवरेज एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस लेता है, वो केमिकल रिलीज से अंदाजा लगाते हैं कि कितना स्ट्रेस हम ले रहे हैं और उस वक्त क्या था। वो बहरहाल इतना बढ़ चुका है और दवाइयों का तो बहरहाल सेल्स बढ़ती ही है जब आप, और ये 50-50% के मार्जिन होते हैं फार्मास्यूटिकल में। पता नहीं कितना ये डॉक्टर को देते हैं, कितना ये एरिया मैनेजर्स को देते हैं, एरिया प्लानर्स को देते हैं, मतलब ठीक ठाक इसमें मार्जिन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और फिर भी कंपनी को बचता है, ठीक ठाक बचता है। बहरहाल वही बात है, दवाई जितनी महंगी हो इंसान ले गई। और हमारे यहाँ प्रोडक्ट बड़ी फार्मास्यूटिकल्स के बड़े जो है वो मशहूर हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ पैनाडॉल तो आप एक्सेप्ट करेंगे, मैं कहूँगा पैरासीटामोल आप बोलेंगे ये कौन सी दवाई है, हालांकि पीछे फॉर्मूला वही है। पैरासीटामोल कैल्पोल में भी है, पैरासीटामोल पैनाडॉल में भी है, पैरासीटामोल खुद पैरासीटामोल नाम की दवाई में भी है, आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन लोगों के जहनों में बैठ जाता है कि यार ये दवाई अच्छी है तो यही खानी है। अब जैसे कोविड में भी इस तरह से हुआ था कि चंद एक दवाइयाँ बड़ी मशहूर हो गई थी, उसी की जनरेट की उसी फॉर्मूले की दूसरी दवाइयाँ सस्ती थी, लेकिन वो लोग जो है वो उसको नहीं ले रहे थे। खैर, द गवर्नमेंट ऑफ मेलन हैज इंट्रोड्यूस्ड मेनी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज पर्टिकुलरली फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये दूसरी चीज भाई, पर्टिकुलरली फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाय अलाउिंग टैक्स हॉलीडेज एज इंसेंटिव फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रांटिंग सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट लोन्स टू इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट दो तरीके से सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे दो तरीके से आ रहा है। एक, गवर्नमेंट बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बना रही है, दूसरा एट द सेम टाइम टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड कर रही है। टैक्स हॉलीडेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, टैक्स हॉलीडेज को प्रोवाइड कर रही है। द ट्रेंड ऑफ ई कॉमर्स इज इमर्जिंग इन द कंट्री एंड मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग मोबाइल एप्स एंड सोशल मीडिया फॉर मेकिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स। द की प्लेयर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैव बीन यूजिंग सोशल मीडिया टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड सीएसआर एक्टिविटीज सच एज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कंडक्टिंग फ्री पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस सेशंस, स्पॉन्सरिंग ट्रीटमेंट ऑफ नीडी पेशेंट्स एटसेट्रा। तो एक ये भी बात है कि भाई वक्त के साथ साथ वहां पर ई कॉमर्स जो है उसका ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि इसमें आपकी मिडलमैन कॉस्ट नहीं होती, मिडलमैन कॉस्ट आपकी बिल्कुल भी नहीं होती, और मार्जिन्स रिलेटिवली इसके अंदर अच्छे होते हैं। इन मार्जिन्स के अच्छे होने की वजह से आप डिस्काउंट्स दे पाते हैं। मैंने पहले भी स्ट्रैटेजी को पढ़ाते वक्त आप लोगों को ये बताया था कि आप दवाई डॉट पी के पे जाएं। दवाई डॉट पी के बेसिकली आपको दुकानों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा, दवाई डॉट की पी के जो है अपनी वेबसाइट पे 15% डिस्काउंट दे रही है। इसके फाइनेंशियल देखें नेगेटिव जीएम है, नेगेटिव ग्रॉस मार्जिन है। क्यों क्यों नेगेटिव ग्रॉस मार्जिन है? क्योंकि बेसिकली कंपनी बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स दे रही है, प्रमोशंस कर रही है, और वीसी का पैसा जो है वो बर्न हो रहा है। जिस दिन लोगों को ऑनलाइन चीज मंगवाने की आदत हो गई, ऑनलाइन दवाई मंगवाने की आदत हो गई, फार्मेसीज को और जो फिजिकल फार्मेसीज खुली हुई है उनको सबसे बड़ा थ्रेट होगा। और दवाई डॉट पी के ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता ला रहा है, 6 साल 8 साल 10 साल जब यहाँ ट्रेंड बन जाएगा, जैसे आज फूड पांडा पे हुआ है। हर रेस्टोरेंट वाला कहता है मेरी 80% सेल फूड पांडा से हो रही है, 70% सेल मेरी ऑनलाइन हो रही है, 60% सेल मेरी ऑनलाइन हो रही है। मेरे खुद दोस्तों ने रेस्टोरेंट्स रन किए हैं, वो बताते हैं यार रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक, 4:15 तक मेरे खाले फूड पांडा का डिलीवरी टाइम है। कह रहे 4:45 बजे तक ऑर्डर आता रहता है, हफ्ते की रात को या जुमे की रात को लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। रात को 3 बजे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अचानक से जहन में फतूर मतलब मेरा मतलब ख्याल आया कि पिज्जा खाना है, पिज्जा मंगवा लिया, रात को 3 बजे ऑर्डर कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से दवाइयों की जब आदत हो जाएगी लोगों को कि यार छोड़ो अभी फार्मेसी की लाइन में लगना और बिल लगवाना, ये करना वो करना, प्रिस्क्रिप्शन की तस्वीर खींच के ऐप पे डालो, आपके घर पे दवाई आ जाएगी, पर्टिकुलरली दवाई आ जाएगी। तो ये ऑनलाइन का काम और ज्यादा डिस्काउंट देना लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है इस तरफ, इनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। बिल्कुल ये सेम दवाई डॉट पी के वाला एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल ये सेम एंगल दिया हुआ है। ठीक, सब आपने बताना है कि भाई कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं कंपनी के पास, एट द सेम टाइम कौन की क्या चीजें कंपनी के लिए थ्रेट्स हैं। तो हम अपॉर्चुनिटीज पे भी बात कर लेते हैं। और हम जो है वो यहाँ पे थ्रेट्स पे भी बात कर लेते हैं। जी भाई बताएं, कोशिश करें ड्राफ्ट कर दें या माइक पे बता दें। ऑल राइट, आप लोगों से आंसर चाहिए, आप लोगों से एवरीवन। सर मोहम्मद सुमेर कहते हैं सर अपॉर्चुनिटी तो ये है कि गवर्नमेंट बिजनेस फ्रेंडली है और ट्रेंड ई कॉमर्स का जो है वो बढ़ रहा है। दो पॉइंट सुमेर ने बताए,
एक्सीलेंट, चलो मैं एक इनका पॉइंट ले लेता हूं, वैसे दोनों ही वैलिड हैं। एक सर आपकी गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बना रही है, तो आपको यहां पे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। दूसरा आपको यहां पे टैक्स हॉलीडेज मिल रहे हैं, टैक्स हॉलीडेज, टैक्स इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा जो है वो इस वजह से अच्छा मामला हो गया, ठीक है। ओवरऑल लेवल पे जो है वो हॉलीडेज और इंसेंटिव्स ये सारी चीजें जो है वो मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ई कॉमर्स की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, बिल्कुल जी। द अपॉर्चुनिटी ऑफ ई कॉमर्स इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर दिस कंपनी टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ द ऑनलाइन सेल्स, सिंस पीपल आर बेसिकली गेटिंग इंटरेस्टेड टूवर्ड्स ऑनलाइन परचेजिंग इन टर्म्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, देयर लाइज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी के वो इस तरफ जो है वो इमर्ज कर सकते हैं और इस एरिया को काफी हद तक जो है वो देख सकते हैं। ये बड़ी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट बताया किसी ने जी, एनीवन? चले, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फॉर आरएनडी मौजूद है, नए प्रोडक्ट्स पे काम किया जा सकता है। फिर आपको हर मुल्क में आरएनडी करनी नहीं पड़ती, एक जगह पे आप आरएनडी करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं, काम आ जाती है। अच्छा जी, थ्रेट बताया लो डिस्पोजेबल इनकम, मैन्युफैक्चर हेल्थियर प्रोडक्ट्स फॉर यूथ, ठीक है, ये एक थ्रेट हो सकता है। सर एक बड़ा थ्रेट ये है कि लोगों में हेल्दी लाइफस्टाइल आता जा रहा है, अगर ये हेल्दी लाइफस्टाइल का ट्रेंड आ गया, अगर ये हेल्दी लाइफस्टाइल का ट्रेंड आ गया तो फार्मास्यूटिकल के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल का ट्रेंड आ रहा है। दूसरा, बिल्कुल वेरी राइटली पॉइंटेड आउट सर, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, एक हद तक आदमी वो करेगा ना, उसको बर्दाश्त कर सकेगा, और डिस्पोजेबल इनकम गिर रही है, डिस्पोजेबल इनकम जो है वो गिर रही है, द डिस्पोजेबल इनकम इज फॉलिंग एंड इन्फ्लेशन इज ऑन राइजिंग ट्रेंड। एक हद तक वो इम्पैक्ट कंज्यूमर को पास ऑन कर पाएंगे, द कंपनी कैन पास ऑन द इम्पैक्ट ऑफ हाई कॉस्ट टू द कंज्यूमर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उससे ज्यादा तो फिर वो परचेज ही नहीं कर पाएंगे। आज अगर मैं आपसे बोल दूं कि पेनाडोल का पत्ता 1200 रुपए का है, तो आप बोलेंगे भाई नहीं चाहिए, नहीं खानी है, कोई मसला नहीं है, छोड़ दो, ये मिलता है 30 रुपए का तो बिकता है इतना ज्यादा, अगर ये 1000-1200 रुपए का हो जाए, 1500 का हो जाए, तो आदमी कहेगा नहीं खानी है, कोई मसला नहीं है, 150 रुपए की गोली में सर दर्द के लिए नहीं खा सकता। एक एक नॉर्मल मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अशर कहते हैं सर हेल्दी लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लाइक फार्मा कंपनीज में एक हेल्दी प्रोडक्ट्स इज वेल, हेल्थ प्रोडक्ट्स इज वेल, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो बना सकती है, एक्सीलेंट पॉइंट। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, यहाँ पे कंपनी कैन इनोवेट इन हर्बल एंड हेल्दी प्रोडक्ट्स, कंपनी हेल्दी प्रोडक्ट्स की तरफ जो है वो आ सकती है। तो ये जो आपको थ्रेट नजर आ रहा है, इसको आप बेसिकली कैपिटलाइज कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी में, आपके लिए बहरहाल जो है वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है, बिल्कुल बन सकती है। लेकिन एक मसला है, अब खैर मैं थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में जानता हूं तो मैं बता रहा हूँ, हेल्दी प्रोडक्ट्स हमेशा थोड़े से महंगे होते हैं और वहां पे इतना ज्यादा मार्जिन का रूम नहीं होता। फार्मास्यूटिकल तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना बंदे के दिमाग में, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बंदे के दिमाग में फैलाया हुआ है कि यार खाओ, नहीं खाओगे मर जाओगे, ठीक है। हेल्दी प्रोडक्ट्स के बारे में ये परसेप्शन है ही नहीं, मतलब नहीं खाएंगे कोई मसला नहीं, खैर हो गई, चल जाएगा काम, लोगों का ये जहन बना हुआ है, तो वहां पे इतना ज्यादा मार्जिन, लोग इतना प्रीमियम पे करने के लिए तैयार नहीं होते। अब आज मैं आपको बोलूँ कि ये जो कोविड की दवाइयां थी, कोविड में जितनी इस तरह की दवाई, एक बड़ी मशहूर दवाई थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आई गेस नोवार्टिस की थी या एजीपी फार्मा की थी, पता नहीं एक्जियम नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है मेरे जहन में, एजोमैक्स, एजोमैक्स, बेसिकली एजोमैक्स इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी कि वो महंगी होने के बावजूद लोग उस दवाई को खा रहे थे, वही कोई मसला नहीं है, बिकेगी ये दवाई कोविड में, लोग जान की बाजी समझ के खाते हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स लोग इतना इस तरह से समझ के खाते नहीं है, तो एक मार्जिन वाला मसला वहां पे है, इतना अच्छा मार्जिन आपको वहां पे अचीव नहीं हो पाता, लोग इतना प्रीमियम पे करने के लिए तैयार नहीं होते, मेडिसिन के लिए प्रीमियम पे करने के लिए तैयार होते हैं। लाइक जिम गोइंग यूथ आर कंज्यूमिंग प्रोटीन शेक्स एंड ऑल आर रेडी टू पे हेफ्टी अमाउंट्स फॉर दैट, हेफ्टी अमाउंट्स तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे कहीं पे भी कि वो हेफ्टी अमाउंट्स पे करने के लिए तैयार है, डिस्पोजेबल इनकम गिर रही है मियाँ, इन्हें सस्ता चाहिए होगा, इन्हें सस्ता चाहिए होगा। तो हेल्थ प्रोडक्ट्स में एक मसला ये आ सकता है कि अगर आप हेल्दी प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं तो शायद आप इतना मार्जिन ना ले पाए, हेल्दी प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं तो यहां पे शायद आप इतना मार्जिन ना ले पाए। और प्लस एक अपॉर्चुनिटी यहां पे आपके पास ये नजर आ रही है कि यहां पे बूढ़ों की
यंग और चिल्ड्रन की तादाद ज्यादा है, ठीक है ना, यंग और चिल्ड्रन की तादाद जो है वो ज्यादा है, तो बीमारियां और बहरहाल डिजीजेस तो लगी रहेंगी, बेशक ये लाख अवेयरनेस कर लें, कुछ भी कर लें, ये चीजें बहरहाल लगी रहेंगी, एक वक्त के साथ उसमें चेंज आता है, एकदम से तो चेंज नहीं आ जाता, तो ये वाली एक बात है, सही है, ये वाली एक बात है। तो लो डिस्पोजेबल इनकम में थोड़ा सा ये मार्जिन वाला फर्क आता है, पाकिस्तान में जहां एवरेज बंदे की सैलरी जो है वो 25-30 हजार हो, अब वो 25-30 हजार में 12 हजार मकान का किराया है, 6 हजार बच्चों की स्कूल की फीस है, खाने पीने का सामान 10 हजार का है, आने जाने की उसकी ट्रैवलिंग 2-2.5 हजार 3 हजार बस का किराया है, खत्म हो गए 30 हजार रुपए यहाँ पे, वो कोई लेविश लाइफ नहीं जी सकता। अब आप उसको बोलो असली शहद खरीदे, बोलेगा भाई कितने का असली शहद, आप कहेंगे जी 3,500 रुपए का किलो है, बोलेगा यार मैं नहीं अफोर्ड कर सकता ये शहद के ऊपर, तो आप सेहत पे ऑटोमेटिकली पैसा नहीं लगा पाते ना। लेकिन इसी बंदे की खुदा ना खास्ता इसी बंदे की किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए और इसे 3,500 रुपए की दवाई चाहिए, ये कुछ भी करके मैनेज करेगा, ये एडवांस ले लेगा, ये ओवर टाइम कर लेगा, ये कोई दूसरा काम कर लेगा, हमें वो चीज इमीडिएटली नजर नहीं आ रही ना सामने, कोई ऐसी बीमारी है इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही तो हम उस पर फोकस नहीं करते कि यार ठीक है कोई ऐसा मसला नहीं, हम जो है वो चल रहे हैं अभी, आगे भी चलते रहेंगे। तो वो जो हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेंडिंग करने का माइंडसेट होता है वो लो डिस्पोजेबल इनकम में काफी डिस्करेज होता है, काफी डिस्करेज होता है। ये बड़ी मैंने कीन इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात की है, आई कैप अगर कभी ये सवाल आपसे पूछेगा तो वो इतनी इन डेप्थ बात जो है तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता इस लेवल पे, एमएससी 2 में बेशक करता होगा क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन भी फिर ज्यादा दी हुई होती है, बैकग्राउंड भी बड़ा होता है। तो बहरहाल ये वाली चीज थोड़ी सी यहाँ पे देखने वाली है, जहाँ लो डिस्पोजेबल इनकम होती है वहाँ हेल्थी प्रोडक्ट्स में इतना मार्जिन आपको मिलता नहीं है, क्योंकि फिर आप वहाँ पे वॉल्यूम नहीं ला सकते। अब एक बंदे की एवरेज, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी स्टाइपेंड में जो है वो अरीना जिम जाना प्रीफर करेंगे? नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई ये 10,000 रुपए 11,000 रुपए अरीना के जिम की एक महीने का एक्सपेंस है, एक महीने की इसकी सब्सक्रिप्शन है, और हमारी जो है वो स्टाइपेंड 18,000-20,000-22,000 रुपए, हम कहाँ से, और टाइम भी नहीं है वो जिस तरीके से फर्म का रूटीन है, आप कहाँ मतलब अरीना में एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे या इस तरह की किसी और जिम या क्लब के अंदर जाएंगे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, और वो सूरत हाल उस तरीके से जो है वो बनी नहीं रही है। क्यों? एक लो डिस्पोजेबल इनकम वाली बात है। लेकिन यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो मैंने वो रियाद, बेसिकली मैं रियाद में जब था एक साल वहां पे काम करने के लिए गया था, तो मैंने वहां पे ये चीज नोट की कि वहां जो मिनिमम वेज है वो ज्यादा है, लोग वहां पे भी करते हैं इस तरह का काम कि वो मिनिमम वेज से कम पे कर रहे होते हैं, मजबूर करते हैं लेबर को, मजदूरों को काम करने के लिए, लेकिन 2,500 रियाल के आसपास, 2,000-2,500 रियाल के आसपास मैंने वहां लोगों को कमाते हुए देखा है। एक टैक्सी ड्राइवर भी 2,000-2,500 रियाल महीना बना लेता है, उसकी लिविंग कॉस्ट सब कुछ मिला के, अगर वो कमरे में रूम शेयर कर रहे होते हैं, वो 4-4, 5-5 लोग साथ रह रहे होते हैं, खाना पीना भी मिला के करते हैं, घर में खाना बना लेते हैं, ये सब कुछ करके उनकी लिविंग कॉस्ट कोई 500-600 आती है। तो 2,000 रियाल जब उनके पास बचते हैं, 1,00,000 रुपए पाकिस्तानी बनता है, वो जब यहाँ भेजते हैं तो उनके घर का अच्छा गुजारा हो जाता है। वहां पे जो फिलिपिनी कौम थी, जो फिलीपींस के लोग वहां पर काम करते, फिलिपिनी काम लोग काम करते थे, उनकी भी सैलरीज ऐसी ही थी, 4,000-4,500-3,000-3,500, लेकिन उन इतना था कि वो 200 रियाल का जिम अफोर्ड कर सकते थे। अब जो 5,000 कमा रहे हैं ना, वो 150 रियाल 100 रियाल 150 रियाल सब्सक्रिप्शन पैकेजेस होते थे, 100-150 रियाल जिम का एक्सपेंस होता था, तो वो वहां पे आते थे। मैंने बाकायदा वहां पे काफी टाइम जो है वो कार्डियो किया है, उधर तो एक ही जॉब थी, पढ़ाना वढ़ाना इतना ज्यादा फोकस नहीं था, एक आधो मेरे पास ऑनलाइन ट्यूशन थी, इससे ज्यादा नहीं थी। तो बहरहाल वहां पे मैं भी जो है अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से जाया करता था कार्डियो शार्डियो करने के लिए, फिर खैर वहां से वापस आके क्या हुआ उस पर हम बात नहीं करते, उसको आप पर्दे में रहने दें, लेकिन जो है वो वहां जाया करते थे, तो वहां मैं देखता था कि यार मतलब लोग आते हैं, काफी लोगों का रुझान है, क्यों आते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। जो बंदा 3,500-4,000 रियाल कमा रहा है वो 100-150 रियाल महीने के जिम में दे सकता है, कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ ये रेशियो ही उल्टा है, और वो बिल्कुल आपको यहाँ पे जो एक, 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 एक जो प्रीमियम बिल्ड जिम होता है वैसी क्वालिटी वहां आपको 150-200 रियाल के अंदर मिल जाती थी। 200 रियाल भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंथली पे करना, अगर आप 3 महीने के साथ में पे कर दो तो 150 रियाल पड़ते थे, 125 रियाल जी, मैं मतलब सोचता हूँ इस तरह से। तो आप अगर साथ में पे कर दें, और रमजान अगर नहीं आ रहा बीच में क्योंकि रमजान में लोग जिम नहीं जाते, तो साथ में पे करते हैं तो 150 रियाल पड़ता है। तो ये वाली चीज यहाँ पे जरूर जहन में रखना कि हेल्दी प्रोडक्ट्स की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनमें इतना मार्जिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो रही है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा हेल्दी प्रोडक्ट्स वाली साइड पे जो है वो ये वाला मामला कम है। ठीक है, क्या ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स वाली चीज समझ में आती है? एवरीवन गेट्स इट? चले, एक्सीलेंट हो गया। किसी ने लिखा है सर आप अरीना कह रहे हैं तो सादा सा कोई जिम है वो नहीं हो पाता,
नहीं यार, होना चाहिए यार. हेल्थ हेल्थ इज बेसिकली कंप्लीटली कह लो कि इट्स इट्स वेल्थ. सब कुछ आदमी उसी के जरिए जो है वो कर पाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. चलें, एक्सीलेंट हो गया जी, जबरदस्त. सो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे मुकम्मल हुआ. किसी का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, वो सवाल से जो है वो पूछ सकते हैं. अब मुझे बताओ, स्ट्रैटेजी के जो 6 एरियाज हमने पढ़े, हाउ कॉन्फिडेंट यू फील नाउ? मुझे पता है रिफ्रेशर के स्टूडेंट्स की दूसरी क्लास है, लेकिन जो शुरू से रेगुलर ले रहे हैं, हाउ कॉन्फिडेंट यू फील? अब आपको कैसा लगता है कि कोई केस स्टडी आपके सामने आएगी तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं मैनेज कर पाएंगे? मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा. हमारे यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन ये मुकम्मल हो जाता है.